नासमझी वहीं से आती है जहाँ से हम उसको लाते हैं रोज़, और वो सबको पता है और सब बने बैठे हैं, और वो हमसे सुनना चाहते हैं कहाँ से आती है, लेकिन पता सबको है कहाँ से आती है। और थोड़ा सा अपने को हिला के पूछे तो सबको सब पता है, तो बस उसको वहीं से रोक दें जहाँ से आ रही, उसको रोक दें और अपनी समझ का आनंद लें, उसको एंजॉय करें, उस चीज़ को महसूस करें, ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करें। जो ट्रांसफॉर्मेशन आया है उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा महसूस करें, और फिर वो बड़ा हो जाएगा। हमने उल्टी आदत डाल ली है, जो भी नासमझी वाली चीज़ है उसको ज़्यादा से ज़्यादा चिंतन मनन करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा इनलार्ज करते हैं, तो हमारे ऊपर छा जाती है काई की तरह। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। एक बार एक सूफी सेंट किसानी करते थे, तो उनका शिष्य था, उसने उनसे पूछा कि ये बताइए आप कैसे पहचानते हैं कि इसमें खरपतवार क्या है और असली पौधा क्या है। तो हम पहचान लेते हैं, अब अनुभव से पता चल गया है तो खरपतवार को हटा देते हैं। तो उसने पूछा लेकिन मैं कैसे पहचानूं, आप मुझको सिखाएं। उन्होंने कहा जब तुम्हें कोई संशय हो तो दोनों को उखाड़ के फेंक दो, जो दोबारा से उगाए वो खरपतवार और जो दोबारा ना उगे वो असली पौधा। पहचान उन्होंने बताई। तो फिर इसका उन्होंने समाधान ये दिया कि खरपतवार तो उगता ही रहता है, असली पौधे को संभालना पड़ता है, उसको जतन से सहेजना पड़ता है, और खरपतवार को बार बार उखाड़ना पड़ता है क्योंकि वो जिद्दी होता है, वो बार बार उगेगा, लेकिन असली पौधा इतना नाजुक होता है एक बार उखाड़ा तो दोबारा नहीं उगेगा। तो यही समझ और नासमझी है। समझ का जब पौधा आता है तो नाजुक है, तुरंत उसको संभाल लीजिए, और नासमझी खरपतवार की तरह से वो तो उगती ही चली आएगी, आपको रोज़ रोज़ गार्डनिंग करनी पड़ेगी। तो रोज़ सुबह शाम जब मौका मिले थोड़ी गार्डनिंग कर दें, थोड़ी खरपतवार हट अलग करा दें। तो यही साधना है। साधना का अर्थ और कुछ भी नहीं है, साधना का मतलब यह है रोज़ थोड़ा अलर्ट हों, अवेयर हों, और जो भी चीज़ें हमको मार्ग से हटाती हैं उनसे डिटैच हो जाएं। Thank you.